Subscribe to Shimaru Shorties and click the bell icon to never miss an update. Jacob, jail se aa gaya. जेकबा वो जेल से छुटकर गेंडे की तरह भिनभिनाता यही को आ रहा है। शैतान का दूसरा नाम जैकब है। आज अपन तुझे ये मोहल्ला छुड़ाने के लिए आया है। तू मुझसे ये मोहल्ला छुड़वाना चाहते है ना? चल मैं तुझसे ये दुनिया ही छुड़ू। कौन कहता रहे बिरजू भैया? माँ का जल्दी बुलाया है, कोई जरूरी काम होगा। लेकिन बाबूजी ये सब कुछ हुआ कैसे? तेरी गूंगी बहन छाया घर पर अकेली थी और मुझे घर पहुंचने में है जरा नहीं बहुत देर हो गई। तूने ये क्यों किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान ले लूंगा। नारायण से दुश्मनी का क्या अंजाम होता देखा? मैं तुझे जान ले लूंगा, मैं तुझे जान ले लूंगा। खूनी समझकर लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। आप बेकसूर हैं बापूजी, और मैं ये साबित करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा। जब तक मुझे बलवंत का कत्ल करते हुए देखने वाली रघुवीर की आंख खुली है तब तक मेरी आंख चैन से बंद कैसे हो सकती है? इसलिए मैं सोचता हूँ कि सोचना तो आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था नारायण साहब, जब आपने नोटों से भरा हुआ बैग मेरे सामने रखकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बलवंत का खून रघुवीर ने ही किया है। अब ये बात मैं अदालत को सोचने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ तो रघुवीर प्रसाद जी, बस कीजिए वकील साहब, बस कीजिए। आपने सच को झूठ साबित करके मुझ गरीबों की इज्जत पर काफी कीचड़ उछाल चुके हैं। अब झूठ को सच साबित करके मुझ निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दीजिए। मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने बदचलन और जिस्म का धंधा वाली साबित करके उसे जीते जी मार डाला। हमें मार डालिए, हमारे खानदान को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अपनी अपनी इज्जत की आरती का बोझ अपने कंधों पर उठाकर हम नहीं जिंदा रह सकते। हम नहीं जिंदा रह सकते जज साहब। हम रिश्ते को तूने इन चिताओं पर बलि चढ़ाकर मुझे लावारिस बना दिया दीनानाथ। इन चिताओं की आग तो शांत हो जाएगी मगर मैं इंतकाम के शोलों में तब तक झुलसता रहूंगा जब तक तुझसे तेरा हर वारिस छीनकर तुझे लावारिस ना बना दूं। विक्रम भैया ने मुझे खत लिखा था कि मेरी शादी का जोड़ा वो अपनी मेहनत की कमाई से बनाकर लाएंगे। बस इसी बात का तो झगड़ा रहा है इन दोनों में। वो समझता है मैं जो मुकदमे लड़ता हूँ उनमें जरा भी मेहनत नहीं लगती। मेरी कमाई हराम की कमाई। अगर मेरी कमाई हराम की है तो वो उसने कौन सी अपनी हलाल की कमाई से वहाँ पर बहुत बड़े महल खड़े कर लिए हैं? टैक्सी तो चलाता है। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि इतने बड़े नामचीन वकील का छोटा भाई होकर वो एक टैक्सी ड्राइवर। लेकिन मुझे अपने टैक्सी ड्राइवर होने पर फक्र है भैया। सीता माने तुम्हारे लिए। सीता, सीता, सीता। मेरी बहन की बारात घर तक नहीं पहुंची, तेरी बहन की बारात तेरे घर तक पहुंच कर भी खाली जाएगी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं रुकर दिखाना बोल रहा हूँ, मेरी जान खतरे में है प्लीज। चाहता तो मैं तुझे फोन करने नहीं देता लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस कानून की आड़ लेकर तूने मुझे तबाह किया उस कानून के रखवाले आएं और कानून के सौदागर की बर्बादी
अपनी आंखों से देखें। यही है ना वो जुबान जिस पर तुझे इतना घमंड है। मेरी बेजुबान बहन अदालत में कहती कुछ और थी, तेरी ये जुबान उसका मतलब कुछ और लगाती थी। अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और तुझसे पूछेगी, तब तुझे एहसास होगा कि किसी बेजुबान को अपनी बात कहने में कितनी तकलीफ होती है। याद है दीनानाथ, तूने अदालत में साबित किया था कि मेरी देवी जैसी बहन ने अपनी इज्जत अपनी मर्जी से बलवंत के हाथों बेच दी। जब तेरी बहन की इज्जत किसी बलवंत जैसे गुंडे के हाथों बिक जाएगी ना, तब तुझे एहसास होगा कि किसी बहन की इज्जत कैसे बिकती है। भैया सीता कहाँ है? सीता भाग गई। तब तुझे एहसास होगा कि किसी बेजुबान को अपनी बात कहने में कितनी तकलीफ होती है, और तब कितनी तकलीफ होती है जब वो कहता कुछ और है और उसका मतलब कुछ और लगाया जाता है। भैया, अरे भैया बोलते क्यों नहीं, सीता किसके साथ भाग गई? बोलो भैया, सीता किसके साथ भाग गई? माशाल्लाह, माल हमारी पसंद का है, कीमत तुम्हारी पसंद की होगी। बोलो क्या कीमत लोगे? लड़की बेचकर पैसे कमाना बिरजू का धंधा नहीं है जोरा भाई। क्या मतलब? जिस दिन इसके पांव में घुंघरू बांधकर इसे महफिल की रौनक बना दोगी, समझ लेना बिरजू को उसकी कीमत मिल गई। जोहरा भाई का नाम और कोठा सारी बंबई में मशहूर है राजा। कोठा? लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो, कौन लाया मुझे और क्यों लाया? तेरे पाँव में घुंघरू बांधकर तुझे तवायफ बनाने के लिए बिरजू छोड़ गया है यहाँ। अगर तूने नहीं बताया कि बिरजू कहाँ है तो जबड़ा तोड़कर हाथ में दे दूंगा। हाथ में देना तो हमका भी हाथ है, किंतु हम बात बढ़ाना नहीं चाहते। क्या बोला? हमने बोला था कि वो रामपुर गया है, अभी तक गांव से नहीं लौटा। रामपुर से आकर उसे कई रोज हो गए हैं। हाँ, लेकिन हिया नहीं आया। अगर वो आए तो उसे कह देना कि रामपुर से सीता का भाई विक्रम आया था। कहता था रामपुर से आया विक्रम। हाँ हाँ हाँ, वही नाम था, मनोज नाम था, विक्रम। कहता था सीता का भाई है विक्रम। कहाँ है वो? मारो साले को। अपने तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, एन वक्त पर मेरी जान बचाने पहुंच गया और मुझ जैसे लावारिस को अपने घर ले आया। वैसे तू करता क्या? तलाश, उस राक्षस के भाई की तलाश जिसने मेरे खानदान के साथ खून की होली खेली। बखे भी तेरी तरह तलाश का मारा हुआ है। खैर, तूने अपना नाम नहीं बताया। विजय है मेरा नाम, इसके पहले कुछ और था जिसके साथ पुरानी यादें जुड़ी हैं। तुझे आराम की जरूरत है और मुझे तलाश की। इस वक्त मुझे जिसकी तलाश है उसे मिलने के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। बहन हूँ ना, मेरा नाम छाया, मैं तो चांदनी हूँ, चांदनी। मगर इस भाई की अंधेरी जिंदगी में चांदनी बनकर आई हो बहन। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? विकी का दोस्त और तेरा भाई।
बाय। चलो गाली करो। हेलो तुम मुझे नहीं जानते, मैं नारायण का आदमी हूँ। और नारायण को जब पता चलेगा कि तुमने उसके हीरो के साथ उसके आदमी को भी पकड़वा दिया तो वो तुम्हारे घर में ही तुम्हारे कब्र को डलेगा। कौन हो तुम लोग हा? और क्या चाहते क्या हो? चाहता तो मैं हूँ हरामजादो, अपने 50 लाख के नुकसान के बदले में तुमसे वो बदला लेना चाहता हूँ। गोली मार दो इन हरामजादों को। चलो गोली। नहीं मत मारो इन्हें। 50 लाख के बदले ये हीरा बुरा नहीं है। क्या नाम है तेरा? चांदनी। मैं चांदनी को भी अंधेरे में बदलता हूँ। सबके सामने मेरे ही कपड़े उतारने वाले थे ना, चल उतार अपने कपड़े उतार। आज तो मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, लेकिन सबके सामने अगर तेरे कपड़े। आवाज नहीं, आवाज नहीं, ज्यादा आवाज की तो गले में अंगूठा डालकर तेरी बोलती बंद कर दूंगा। चल उतार। अच्छी बात है बेटा, तुम लोगों भी याद रखूंगा। आज जैसे तुम लोगों ने मेरे कपड़े उतारे हैं, एक दिन तुम्हारी हड्डियों में तो तुम्हारा उतरवाया। अबे जाता है क्या, चील कौओं को दावत भी हम ही दें? तेरी क्या तो तेरी। ओ भाई साहब, टैक्सी का भाड़ा कौन देगा? भाड़ा? कैसा भाड़ा? भाड़ा तो तुझे यहाँ लाने का हमें मिला है राजा, समझे? भाड़ा निकाल वरना नारायण से पहले तेरे दांत निकाल दूंगा। अरे भाई काहे को गुस्सा करता, अभी देता हूँ भाड़ा। फिक्र की कोई बात नहीं, खतरा टल चुका है। खतरा तो अब उसकी जान को होगा जिसने मेरे दोस्त की जान खतरे में डाली। बाबू नहीं मेरी जान, सिर्फ नारायण को। आपने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नहीं दरवाजा खोलो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरी इज्जत को लुटने से बचा लीजिए भगवान के लिए। आंसू पोंछ। इसके आंसू तो तूने पोंछ लिए, अब तेरे आंसू कौन पोंछेगा? क्योंकि तेरे आंसुओं को पोंछने वाला तेरा वो दोस्त अब तक मौत की नींद सो चुका होगा। हमारी दोस्ती पर आंख तक उठाने के लिए मौत को भी 50 बार सोचना पड़ता है नारायण, और तुमने बगैर सोचे मेरे दोस्त पर हाथ उठा दिया। अरे ये तो सोचा होता जब विजय का हाथ उठ गया ना, तब तुम्हारा हश्र क्या होगा। आइंदा मेरे दोस्त या इस लड़की पर आंख भी उठाए तो याद रखना, पहले तेरी आंखें निकाल दूंगा फिर तुझे मारूंगा। सितारा से शादी करके उसके दामन पर लगे हर दाग को मिटा दूंगा। पहले तकदीर ने उसे तवायफ बना दिया था, मगर अब मैं उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मैंने झूठ बोला था चांदनी कि मेरी बहन सीता खो गई है, असलियत में एक बिरजू नाम का गुंडा उसे उठा कर ले। लेकिन कुछ ही दिन में मुझे मेरी बहन और बिरजू दोनों का पता चल जाएगा। हाँ चांदनी, और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा वो दिन बिरजू की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसे मार डालने के बाद या तो मुझे फांसी होगी या उम्र कैद। तेरी जिंदगी रही तो मैं तेरी सुहागन बनकर रहूंगी, और अगर अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं तेरी विधवा बनकर जीऊंगी। तेरे होते हुए अगर तेरे सुहाग पर जरा सी भी आंच आ जाए और तुझे विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजारनी पड़े तो लानत है इस भाई पर। विजय तू नहीं जानता दोस्त, मैंने सब सुन लिया है। विकी तू मुझे मेरी बहन की खुशियां दे दे, मैं तुझे तेरी बहन ला दूंगा। मुझे कसम है मेरी बहन की, बिरजू के टुकड़े लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा
और तुझे कसम है तेरी बहन सीता की कि मेरी बहन के प्यार के टुकड़े मत कर। मैं शादी में हरगिज नहीं नाचूंगी नारायण बाबू। सितारा तवायफ जरूर है, कोई कठपुतली नहीं जो सड़कों पर तमाशा करती फिरे। तो चलो सितारा भाई, इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शादी में बिरजू भी आने वाला है। बिरजू? फिर तो मैं जरूर नाचूंगी। तुम उसकी तरफ इशारा कर देना बस, फिर देखना। शादी चाहे किसी की भी हो, मेरे लिए खून की होली होगी। भाई को जुदाई के आंसू पीने पर मजबूर करके कहां चली गई थी भाई? तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मैं उसे जिसने तुम्हें अपनी बहन को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। कौन है वो? यही है वो जालिम जिसने तुम्हारी बहन के पास इस शादी के पास उतार कर घुंघरू बांध दिए, जिसने सीता को सितारा भाई बनाकर अय्याशों के इशारों पर नाचे वाले कठपुतली बना दिया। भैया यही है वो। देखिए तू तुझे नहीं दोस्त, फिर जो दोस्त अब भी दोस्त कहता है जलील? दोस्ती को गुन लगी लकड़ी की तरह खोखला कर देने वाला दोस्त नहीं दुश्मन होता है। दोस्ती के नाम पर कलंक होता है और ऐसे कलंक को मिटा देना है। मैं तेरी बात का जवाब दे सकता हूँ विकी, लेकिन मेरी बहन चांदनी को दी हुई कसम ने मेरे हाथ बांध दिए। बहनों के पांव में घुंघरू बांधने वाले को ना तो किसी को बहन बनाने का हक है ना ही वचन देने का। भैया इस वक्त मेरे सर पर खून समा रहा है, हट जाओ, हट जाओ। इसी तरह मेरे सर पर भी खून सवार था जब तेरे भाई ने भरी अदालत में तेरी मासूम बहन को जलील करके एक धंधे वाली साबित कर दिया था। उस वक्त मैं भी पागल हो गया था जब तेरे भाई ने मेरे बाप मेरी मां मेरी बहन की चिता पर आग लगाने को मजबूर कर दिया। पिता चांदनी को उठाकर ले गए, उन्हें बचा लो बेटा, उन्हें बचा लो। छोटे कुत्ते, अगर मेरा भाई आ गया ना, अरे ये कलयुग के रावण की लंका है और कोई विभीषण नहीं है जो तुझे छुड़ाने वालों को मेरी लंका का रास्ता दिखा सके। चल विक्की, और मेरा भाई तो रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे और काल के घर का दरवाजा भी दिखा देंगे तुझे। गोली चलाने से पहले जरा उनकी हालत देख ले जिनको तू बचाने आया है। इनके गले में बम लटक रहा है और उसका कंट्रोल तेरे बाप के हाथ में है। छोड़ दो उसे, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो उसे। तुम्हें मेरी कसम बिरजू, छोड़ दो। इंतकाम की आग में मैंने जो तुम्हारी जिंदगी में दाग लगाया है वो दाग मेरा खून ही धो सकता है।